उसने नाश्ता कर लिया। मैंने कहा एक आदमी से दिक्कत थी महावीर सर। मुझे फील नहीं आ रही है सर। बस अब सब खत्म। मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर तो अब नहीं है ना, अब नहीं होगा, अब तो बस टेस्ट है। हमारे टेस्ट होगा कल, फिर हम सीधे घर। तो कुछ नहीं, वो बॉल वाला गेम करेंगे, फिर पैरा सेलिंग है। फिर से आज करोगे पैरा सेलिंग? ओ पैरा सेलिंग हाँ आज करेंगे भाई। हमारे तो पैक में लग रही थी आज। बस हो गया इनका, बन गया कमांडो। ये मत डालियो। क्यों मैं ये तो डालूंगा। ये मत डालियो, ये तो डालने वाली चीज है। नहीं ये तो डालूंगा। ये कंसीडर रखे बहुत गलत मिसाल है। तुम्हारे पास वीडियो रखी है, मैं बता रहा हूं। अरे ग्राउंड चेक करो, ग्राउंड इतना बड़ा बना दिया, पूरे में दौड़ाते हैं। हाँ भाई कमांडर, कमांडो रिव्यू। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होंगे कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होंगी, वह मतलब ये होंगे कि इन्होंने तकलीफा नाल डील करना होंगे। मस्त एयरपोर्ट लगा के अपने ही धुन में है। तुम्हें पता कितनी देर से वीडियो बना रहा हूँ मैं। युवराज भाई कैसी लगी परेड? तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। ऑब्वियसली यू हैव टू गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, बट इट्स फन हियर। लाइक 4 days के लिए MTC इज अ गुड एक्सपीरियंस, बट ऑब्वियसली यू कैन नॉट स्टे हियर फॉर अ मंथ, वो नहीं हो पाएगा। दोबारा आना है? 4 days के लिए वाला ठीक है। दोबारा आना चाहोगे MTC? 6 महीने बाद, 4 दिन के लिए। और किसी को रिव्यू देना है? ओके हाँ, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग? सच बोल दो, थोड़ी सी गलती आ रही है। दोबारा आना चाहोगे? दोबारा आना चाहोगे? दोबारा तो नहीं है, नई नॉलेज होनी चाहिए। बस बस ओके, थैंक यू, बाय। अरे हाँ जी, वो तो दो रिव्यू। MTC शुरू में बहुत मजा हुआ था, उसके बाद तो अब बॉल वाला गेम खेलेंगे हम। और भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा है MTC का? भाई एक्सपीरियंस क्या है, पहले से सब हो चुका है, अभी थोड़ा चल रहा है उसको। गला खराब नहीं हुआ? चल रहा है भाई, कोल्ड ड्रिंक से दूर रहने को बोले सर ने। स्टॉप स्टॉप भाई, ओके ब्लॉग में देख लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और क्या होता है ना, आ जाएगा ब्लॉग 10-12 दिन तक आ जाएगा। ये देखो ये बंदा मेरे को ब्लॉग नहीं करने दे रहा, ये जो आगे जा रहा है। कौन सी मेहनत कर लिया तुमने ये भाई? कौन सी मेहनत भाई? कमांडर कौन है तुम्हारा? मैं गला बैठ गया भाई, बोल रहा मैं हूं असिस्टेंट। तू ना कुछ, अरे ब्लॉगर। हां जी भाई, ब्लॉगिंग चल रही है कि नहीं? भयंकर भाई, कोई नहीं आ रहा। यही आ रहा है और कोई नहीं आ रहा? नहीं नहीं आ रहे होंगे सब भाई, मुझे अब आ रहे होंगे। अब देखो मैं कैमरा के लेके हां, सागर भाई परेशान हो रहे हैं, इनको फीडबैक फॉर्म पकड़ा दिया सारे के सारे। कॉन्ट्रोवर्सी हो गई यहाँ पे। नहीं भाई मुझे भरोसा नहीं है इंसान, भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है इंसान पे मुझे बिल्कुल भी। मुंह पे बुराई कर रहा तो क्या हो गया? कर दो सेट आज, लगा दो चादर मुंह पे उसका। तेरे जो चादरें लगेंगी उसका क्या होगा? कोई नहीं, देखते हैं उसके बाद किस पे क्या लगती है। देख तेरी तो हिम्मत नहीं बचेगी उसके बाद। बात तो सही है, ऐसे अभी सेकंड में लिखा तो है मस्त भाई हैं। बस इन द टाइम में लिखी मैंने यू। सुनो सुनो इरशाद, इसका या का टाइटल है मेरी मोहब्बत। वाह वाह वाह, कि मेरी मोहब्बत सच्ची थी ये तुम्हें छोड़कर सबको पता है, मैं तुम्हें कितना याद करता हूँ ये तुम्हें छोड़कर तुम्हारी हिचकियों को पता है। राजे कब तक छिपाओगे अपने राज हमसे, तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता है? और ऐसे ही बदनाम मत कर मुझको उन लोगों में जिनको प्यार तमीज तहजीब कुछ नहीं पता है। मैंने आना छोड़ दिया गलियों के उन नुक्कड़ पर, क्या तुझे आज भी वो रास्ता पता है? और हम जाते थे जिस दरगाह पे धागा बांधने, क्या तुझे उस धागे का रंग पता है?
तुम चले तो गए मुझे छोड़कर, मैं रात भर रोता हूँ तुम्हारी यादों में, क्या तुम्हें पता है मेरी मोहब्बत सच्ची थी, तुम्हें छोड़कर सबको पता है हमारे देश के लिए कि मुझे कसम है भारत माँ की मैं तिरंगे को नहीं झुकने दूंगा, कि मुझे कसम है भारत माँ की मैं तिरंगे को नहीं झुकने दूंगा, कर दूंगा उनका सर कलम लेकिन तिरंगे को नहीं मिटने दूंगा। वाह, मुझे कसम है भारत माँ की मैं भगत सिंह को, अब मैं भगत सिंह को नहीं मरने दूंगा, करा लूंगा अपना सर कलम लेकिन जलियांवाला बाग दोबारा नहीं होने दूंगा। वाह वाह वाह, मुझे कसम है भारत माँ की मैं बना लूंगा कफन तिरंगे को, अब एक भी सिपाही के ताबूत पे तिरंगा नहीं लिपटने दूंगा, मुझे कसम है भारत माँ की मैं मिटा दूंगा हर रावण को लेकिन अब सीता अपहरण नहीं होने दूंगा। वाह, मुझे कसम है भारत माँ की मैं हर सिपाही को इज्जत दूंगा, मुझे एक कसम है भारत माँ की मैं हर सिपाही को इज्जत दूंगा, झुका लूंगा सर अपना लेकिन उनका सर नहीं झुकने दूंगा, मुझे कसम है भारत माँ की मैं अब तिरंगे को नहीं झुकने दूंगा, अब तिरंगे को नहीं मिटने दूंगा। जय हिंद। लड़का ब्रश करने गया उसे ऐसे ले आए, तो 9:30 बजे टॉयलेट आ गई, अब वो टॉयलेट में क्या कर रहा, बाहर निकल। सर जी मेरे जैसा होता ना, मैं मुत्ता मुत्ता मार के पता नहीं क्या तोड़ी है जी, सर पता नहीं क्या करते रहते हैं 24 घंटे। अब मैं सर की गलती बताऊं भाई, देखो मेरे पे हंसना बंद, मेरा नाम ही लवली है। अब मेरे साथ क्या खिलाड़ी पे निकल दिया सर ने, मेरा नाम देखा, हाँ भाई लवली, लड़ वो लड़कियों के कैंप में भेज दिया, और वो भेज दिया, भेजने के बाद जिसका नाम नहीं है वो सुबह आ जाना मेरे से ले लेना। मैं ठीक है जी, मैं नाम नहीं भेजा, मैं शायद सर ने नहीं भेजा होगा, मुझे थोड़ी देर बाद पता चल रहा वो लड़कियों के कैंप में मेरा नाम, अगले ने बिना मतलब में फॉर्म भरवा के बिना मतलब में फ्रॉक जंप लगवा दिया उधर काम। सर यू कर रहे पहले दिन आया दूसरे दिन आया सही कर रहा, अरे तीसरे दिन तो आदमी जान निकाल ली। सर सर जी जो बताओ ब्याह हुआ उनका, जिसने ब्याह करा होगा जनाब, मैं तो मैम के लिए दुखी हूँ, मुझे तो खुद ही आवे है, वो 3:30 बजे थी बेचारी सोचती हूँ कि चाय बनाऊं कि पहले फ्रेश होने दो। ऊपर से चलो ठीक है, ऊपर से वहां पे आदमी नींद में उठ के आ रहा है, ऊपर से हमारे 3 महानुभाव हमारे सर आएंगे जी, मैं सर जी प्यार से ले चलो ना, तो अभी सेकंड मेरा पैर दुख रहे है, थोड़ी समझ लो हमारी भावनाओं को, हमारा सर जी हाथ जुड़वा लो हमें छोड़ दो, हम तो होगी गलती जो है आ गए, हम अपने को पिछले जन्म में को कोई ऐसी गदैया फदैया बैठ गए, हम फिर ऐसा होकर लंगड़े घोड़े के उस पर पैर रख दिया। सर जी हम पर रहम करो, तो आप 30-35 साल हो गए, जॉब कर ली, रिटायर हो गए, अब सर जी रोटी वोटी खाओ घर में। क्यों बच्चों को 4 दिन में ये पहुंची बन रहे नहीं, महावीर सर बीच में ना होए मैं लेके जाऊंगा, क्या जा रहा है सर जी, डिग्री रुक जाएगी दोबारा आ जाऊंगा, यहाँ आने में दिक्कत रहे पर उस आदमी के टेंट में नहीं रहूंगा, भले मैं वो बल साहब के साथ रह लूंगा, वो दिन रात कुछ भी करवा ले हम पे, चिल्लाएंगे तो नहीं, चिल्लाएंगे क्या यार, आदमी आज मैंने लंच भी ब्रेकफास्ट नहीं करा, मैं थाली लेके साफ करके गया, थोड़ा लेट हो गया मैं गया, अरे तूने नाश्ता कर लिया। मैंने कहा सर जी अचार दे दो, 1 चम्मच अचार दे गए, सर जी इसमें थोड़ा सा डाल दो, अरे बाद में ले लियो। आधा पराठा खा के मैं फिर उठूंगा। पराठे खाए नहीं बात नहीं, वो कच्चे पक्के पराठे, इससे अच्छा तो मेरे को आटा वैसे दे दो, मैं वैसे खा।
दो से ज्यादा पराठे मिलेंगे नहीं किसी को। मैंने भी लिखा, मैंने कहा एक आदमी दिक्कत थी महावीर सर, मैंने साफ लिखी उसमें महावीर सर इज वेरी एंग्री एंड रूड, आई कांट टॉलरेट। तगड़ा ही भाई तगड़ा। वो हमसे कह रहे हैं जल्दी उठो नहाओ दो पर्दी पहनो, चार दिन तक मैं उन्हीं कपड़ों में देख रहा हूँ। हाँ भाई सेम पर्दी में वो रहता है। सर दिक्कत ये हुई इसको ना सर, महावीर सर मिल गए ना रोज अपनी कुंडली दिखा रहा है कि मैंने क्या गलत काम करा। कल सर एक बता दी हर चीज में आता है अपना रिव्यू तो दे क्या किस चीज का एमटीसी का। मैं भी पहले क्या रिव्यू क्या सुनना चाहेगा एमटीसी में कैसा लगा एक्सपीरियंस? माय एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया था, बहुत सीखने को मिला। सेल्फ डिसिप्लिन की मेरे को क्षमता समझ आई कि हम अगर 5 बजे उठ जाएं तो कितना टाइम होगा, लेकिन हम वो चीज़ नहीं करने वाले क्योंकि हम हैं। मैंने भी तुमसे क्वेश्चन पूछा तुमने जवाब नहीं दिया, पता कहाँ था भाई क्वेश्चन सुन लिया ना है ना, मेरे को ही देख रहे थे ये। नहीं यार इसने ग्लेड्स पहन रखे हैं पता भी नहीं है। हाँ बताओ रुक जाओ एक्सपीरियंस ऑफ एमटीसी। एवरीवन शुड नॉट ट्राई, काले चश्मे भी कितना बढ़िया सोना एवरीवन शुड ट्राई भाई गुड।